अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं हूँ आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज की डेट है वो 11 नवंबर 2022, और मार्केट में बहुत सी सिचुएशन चल रही हैं। ऐसे मार्केट अप और डाउन, और न्यूज़ और USA के इलेक्शंस, और इतनी बड़ी फंडामेंटल्स आ रहे हैं और मार्केट टोटली वायलेशन पे है और बाय ट्रेंड में चल रही है। तो मार्केट में देखते हैं सभी पेयर जिनके ऊपर मैं आपको लोगों को डेली बताता हूँ तो मार्केट क्या पोजीशन बन रही है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं डेली रूटीन के तहत यूरो यूएसडी। ये यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर लिया मैंने, ये डे वन आप देख रहे होंगे। अच्छा, अभी डेली चार्ट पे आते हैं, क्या मेरा जो एनालिसिस होता है वो डेली चार्ट पे होता है। तो ये वही यूरो यूएसडी जिस पे मैंने कहा था कि बाइंग, कि मैं इस पर बाइंग के हक में था, तो ये बाईगा। तो कल भी मैंने आप लोगों को एनालिसिस में कहा था वो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकती है, लेकिन हमने बाई यहाँ पर थी तो मैंने कहा जहाँ से बाई एंट्री करेंगे। तो ये देख ले, मार्केट ने सीधा बाई गई। मार्केट ने ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल पे जब मार्केट थी ना, मैंने कहा यहाँ पे एक है रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग वीडियो उठा कर देखे, मैंने कहा था इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट है, और मार्केट ने यहाँ से नीचे तक आई, यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट दी, और यहाँ से फिर मार्केट देखें जाके उठा के मैंने यहाँ से फील कहा था, मैंने कहा यहाँ से हम बाइंग करेंगे, और ये ठीक एग्जैक्ट इसी पर मार्केट अब चली गई। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट इसका क्या पोजीशन है, वीकली देखें, बाय सेलिंग देखें, मंथली देखें। अगर आप इसका वीकली चार्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूरो की वीकली है, देखें ये वीकली, और ये मैं कहते नहीं तक ये इसका बाय सेटअप बन चुके हैं नीचे से, वीकली वीकली तौर पे, वीकली कैंडल के ऊपर। वीकली एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताई थी ये चीज़, आप वीकली एनालिसिस में गौर कर लिया करें कभी कभी टाइम निकाल के। तो अब ये फिर अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे है मार्केट, लेवल इसका ये वाला लेवल, अभी और बाय जा सकते हैं यहाँ तक, जो बेस्ट लेवल है ना। तो तकरीबन अब ये लेवल ब्रेक कर चुकी है, तो नेक्स्ट कैंडल भी बाय की बन सकती है, क्योंकि ये काफ़ी एयर से नीचे फिर रहे, तो इसने ऊपर तो जाना ही था। ये देख रहे हैं आप कैंडल्स की कब से नीचे ट्रेंड चला हुआ, अब ये बाय में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा देख लेते हैं जी इसका मंथली चार्ट देख लें। तो ये देख लें जी मंथली कैंडल, ये बिल्कुल बाय की कैंडल है, बाय का इशारा, ट्रेंड चेंज होने का इशारा है। तो नेक्स्ट मंथ ये फिर ऊपर जा सकते हैं। ठीक होगी बात। मैं तो कब से कहता रहता हूँ यूरो यूएसडी को लॉन्ग टर्म बाय करके छोड़ दें, यूरो यूएसडी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके छोड़ दें। अच्छा, अब बात करते हैं जीबीपी यूएसडी, सेम चलते हैं। जब यूरो बाय तो जीबीपी यूएसडी बाय, तो जहाँ यूरो यूएसडी बाय, जीबीपी यूएसडी बाय, गोल्ड, ये तीनों सेम चलते हैं जिधर भी चलते हैं। अब ये देखें, ये भी बाय जा रहा है मंथली। डेली चार्ट इसका ओपन कर लेते हैं, ये लोग जो डेली के नज़ारे आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जब यहाँ पे आई थी तो मैंने कहा था ये रिट्रेसमेंट होगी, एक दिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई है, नेक्स्ट दिन फिर ये ऊपर चला गया, और मैं इसके ऊपर अलहमदिल्ला बाय के हक में था और बाय गया। ये जी भी आप मजीद भी ये बाय जा सकता, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हो तो हो, लेकिन ये फिर बाय जा सकता। आज भी ये बाय ध्यान कर लेना आप लोग, और यूएसडी जेपीवाई का आप लोग पिछली वीडियोज़ उठा के देखें, क्या कहता रहा हूँ कि इसने 140 लगाना है, 142 का है। कल परसों ही मैंने कह गया था ये भी 142 का लेवल इसने लगाना ही लगाना है, और देखें इसने कहाँ तक कहे, ये कल ये 141 लगा दिया ना, वही 40 समझ लो पूरा, 141 का 140.200, तो 140 लग गया। ये इसका क्या कहा था मैंने कि इसका 140 रहता है पेंडिंग में है ये लेवल, ये आप लोगों को लेवल लगाया था ये देखे, बल्कि जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, ये मैंने एक लाइन लगाई थी, ये वाली लाइन मैंने कहा था कि इस लाइन को ना इसने टच करना ही करना है, ये इसका लेवल है, ये वाला इसका लेवल है, ये वाला 141 वाला, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टच कर गया। और मैंने कहा भी था वीडियोज में कुछ दिन से, ये सेलिंग कह रहे थे, इसमें सेल ट्रेंड शुरू हो चुके हैं ज्वेलरी JPY में। अब 141 पे चली, 140 को टच करके फिर अगर आज फिर 140 पे आती है तो यहाँ से बाई बन सकती है, लेकिन ओवरऑल अब ये सेलिंग में है, तो जैसे ये बाई गया ना टॉप पे लगाया इसने, तो अब ये गिरना शुरू हो चुका है। बाय तो बीच में चलती रहेगी, लेकिन ओवरऑल सेलिंग में है ये 140। अगर ये फिर आपको एक पॉइंट मिले तो 188 नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस ला के बाय कर लेना, लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं जनाब यूरो GBP, इसकी क्या पोजीशन, ये बाय सेल, ये वो इसका मैंने आप लोगों को लेवल बता के दिया था कि हाईएस्ट पे ये लेवल, लोएस्ट पे ये लेवल, इस लेवल में ये घूमेगी फिरेगी, ये बात आप लोग देखा करें, समझा करें, ये पॉइंट आप लगा लिया करें। मैंने भी कभी आपके सामने दो लाइन लगाई नहीं, कौन सा टाइम लगा, आप ट्रेंड लाइन लगा लिया करें यहाँ पे,
और मैंने कहा भी था कि जब तक ये लेवल ऊपर से ब्रेक नहीं करता और ये लेवल नीचे से ब्रेक नहीं करता, ये मार्केट कहीं नहीं जाती। और आपके सामने ये डेली का चार्ट है और इसी में मार्केट मूव कर रही है। यानी कि यहाँ से सेल करें, यहाँ से बाय करें, SL ऊपर, यहाँ का इसका SL यहाँ पे, बस सिंपल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। टेक्निकली भी चला करें, फंडामेंटल तो है ही है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड को भी कहानी देख लें। ये जी गोल्ड की कहानी है, कितने जी 1600 कहाँ पे था जी, 1619 पे था ये लेवल, ये लगा हुआ था। इसकी ये वीडियोस में देखते होंगे मेरा, ये लेवल यहाँ से बाइंग करवाई थी या नहीं करवाई थी। और टेक्निकली क्या मेरा टारगेट था, मेरे का तो 1690, और 1690 जब मार्केट ने लगा दिया था तब ये ऊपर लेवल नज़र आ रहा है, ये कल ये 1628 का लेवल, ये मुझे ज़्यादा था कि मार्केट ने लगाने लगा। क्योंकि अब ये देखें, ये WT की स्ट्रेटजी होती है ये वाली, लेकिन मार्केट ने इसको, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देती रही है, प्रेशर नहीं था मार्केट में, अब मार्केट आई है नीचे से प्रेशर में। याद रखें ये बात, नीचे से जब प्रेशर पे आई है तो इसने फिर इसको ब्रेक कर देना था एक कैंडल में, वरना यहाँ से तो लोग 1728 से सेल बैठे हुए थे। मार्केट इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं देती, क्योंकि अब ये प्रेशर से आई है नीचे से। प्रेशर कितना था इसके ऊपर, न्यूज़ें थी, फंडामेंटल था, तो इसने इसको देखा ही भी नहीं 1628 को कहाँ पे है, सीधा 3334 पे। एक मिनट की स्पाइक अगर आप गोल्ड पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एक मिनट की स्पाइक जो कल NFP CPI का डाटा था उससे 33 लगाया, इसको तो देखा ही नहीं मार्केट ने, और अभी देखें 61-62 पे चल रही है ये मार्केट। हमने 35 से सेल पकड़ी, 30 रुपये तक आई, उसी टाइम फिर मैंने क्लोज करवा दी, मैं फिर दूसरी कोई ट्रेड नहीं दी इसके ऊपर। अच्छा, मार टेक्निकली ये लेवल अब सपोर्ट बनेगा, बहुत VIP सपोर्ट, 1728 अब ये सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल। और मार्केट अब इस, अब इसमें इतनी पावर नहीं है कि मार्केट अब इसको तोड़े, 1728 को तोड़ने के लिए पीछे फंडामेंटल चाहिए, ये बहुत बड़ा लेवल है। और इसने इसको झटके से, एक झटके में कल ब्रेक किया। मैं आपको कल ये M1 का मतलब है कि एक मिनट की कैंडल, इसमें ज़रा आपको दिखाता हूँ, M1 पे गोल्ड की कैंडल चेक करें आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कल जो मार्केट में गई है ना। आप लोगों को M1 एक मिनट की कैंडल मैं दिखा दूँ, क्योंकि नज़ारे हो जाने चाहिए थोड़े बहुत नज़ारे जो है ना। कल जब मैंने सेल स्टॉप और बाय स्टॉप दिया था, हाँ जी उम्मीद है कि नज़र आ रही होगी कैंडल। ये कैंडल है जी, एक मिनट की कैंडल है, ये बहुत बड़ी कैंडल। मैंने कहता तो मैंने आप लोगों को पहले वॉइस करके बताया था कि जब ये CPI की न्यूज़ आती है तो एक कैंडल कम से कम मिनिमम का $10 की कैंडल बनती है, और ये कितनी बनती है, बनी है जी। अभी देख लेते हैं जनाब, ये देखें आप लोग के मार्केट ने, ये है जी चल रही है स्टेम्स, ये थी 1711 से 1721 पे जाती तो 100 पिप बनते थे, 11 $10, तो ये तो 31 को भी ऊपर चली गई। ये देखें जी इसने कहाँ तक गई, 32 तक लगा ले, 200 पिप, यानी कि $21, 210 पिप ही बननी है। चलो 200 पूरा लगा ले, 32 है ना, 211 बनते हैं वैसे तो, यानी कि $21 की कैंडल एक मिनट में यार मायने रखती है। आप लोगों को कहा था ना, ये इसलिए मैंने यहाँ पे बाय स्टॉप लगवाया था, यहाँ पे जो 1715 पे बाय स्टॉप था, तो यहाँ पे बाय स्टॉप होता तो देखे एक मिनट में भी, अगर एक मिनट, 1 मिनट की कैंडल है जी, एक मिनट में आपको 200 पिप सीधे। और नीचे मैंने यहाँ पे 1707 पे सेल स्टॉप लगवाया था, अगर मार्केट डाउन जाती तो डाउन भी ऐसे इसने झंडा गाड़ देना था नीचे की तरफ, और ये इसने अलम बुलंद किया है ऊपर की तरफ, तो इसलिए ये जब न्यूज़ होती है तो बाय स्टॉप सेल स्टॉप यूज़ किए जाते हैं, ये एक स्ट्रेटजी है न्यूज़ की। अच्छा, तो ये आपके सामने मैंने ये चीज़ दिखानी थी आप लोगों को, कोई पहले आप देखें ये कैंडल, देखें आप लोग एक मिनट की कैंडल है, $20 $21 की कैंडल है, मार्केट टोटली बाय यहाँ पे टूटा है 1728, और 1728 को मार्केट ने फिर अगेन टच कर दिया, एक मिनट में गई ना ऊपर, तो नीचे इसका रीटेस्ट हो चुका है 1 मिनट चार्ट में, इसका 1728 रीटेस्ट कर चुकी है मार्केट। ये नहीं कह सकती अब इसका गैप रह गया, गैप कहाँ रह गया, मार्केट ने एक 1 मिनट में ऊपर ब्रेक किया, नीचे इसको रीटेस्ट किया और चल गई। अच्छा, अब इसका वही चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा, Day 1 का। अब Day 1 की कहानी बहुत बदल चुकी, अब चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अब तो क्योंकि मुझे चार्ट भी पूरा ही नज़र आ रहा है जो यहाँ पे मार्केट ने किया है, ये है जी वीकली। अब जो नेक्स्ट इसका टारगेट है ना मार्केट का, वीकली के हिसाब से आप देख रहे हो कि नेक्स्ट वीक कैंडल बनी ना,
जो नेक्स्ट वीक कैंडल बनी है, तो उसने थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेके ये जो लेवल है ना, जहाँ पे आपको ग्रीन से लाइन नज़र आ रही होगी, मैं अभी दिखा देता हूँ, ये जहाँ पे टच कर रही है ये वाला लेवल, ठीक है। अब ये लेवल है कौन सा वो चेक कर लेते हैं मुझे। ये जनाब अली ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये 1800 का, यानी कि नेक्स्ट टारगेट अब 1800 है मार्केट का। अब सीधा 1800 से रिट्रेसमेंट हुई तो हुई जितनी, वरना से स्पीड से आ रही है ना, तो ये इसको भी ब्रेक करते थे। लोग सेलिंग पे हैं, मैं इतना ज़्यादा जितने भी ग्रुप में बैठा हूँ सारे सेल पे बैठे हुए हैं, 1650 से 1650 सेल 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 सारे सेल पे बैठे हुए हैं, बैठे रहे, कोई मजाक नहीं है। लेकिन ये देखें, एक मैं आपको बात बताता हूँ, गोल्ड का जो एरिया था, गोल्ड का ये एरिया नहीं था, गोल्ड वैसे न्यूज़ की वजह से जो कोई ये वो ऐसे हालात चल रहे थे, तो इसलिए ये नीचे आया हुआ था, डॉलर हुआ था स्ट्रॉन्ग तो ये नीचे आया हुआ था। ये इसका एरिया नहीं है, इसका एरिया यही है, ये वाला एरिया 1800 से लेके ये वाला एरिया, मैं आप सर्कल करने लगा हूँ, 1800 से ऊपर 1700 से नीचे, यानी कि ये वाला एरिया पूरा इसका ये घर है, ये वाला अपना, तो इसमें ये बहुत शेयर करता है, इसी एरिया में बाय डाउन ये चलता रहता है। अब ये इस एरिया में दाखिल हो चुका है अपने, ये इसका घर है, मेन घर, ये तो नीचे 1680 से नीचे इसका घर नहीं है, 1680 ये नहीं, ये 1680 है ना, इससे ऊपर ऊपर ये रहता है, 1680 से बस इस बार नीचे सेलिंग में फंसवा गया, जिनको फंसा गया, वरना ये 1680 भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती थी, इसको नहीं ब्रेक, लेकिन इसका घर यही है 1680 से ऊपर ऊपर, यानी कि 1700 से लेके 1800 1900 तक, ये जो 200 का फ़र्क है ना, 1700 से 1900, ये इसका मेन घर है, 1719 से जब ऊपर जाता तो नीचे, और 1700 से नीचे जाता तो भाई, ये इसका घर है, ये एरिया यहाँ पे ये फिर अब इंटर हो चुके हैं अपने घर में, तो ये इस घर है इसका, तो यहाँ पे ये काफ़ी टाइम के लिए स्टे करते हैं। अगर आप पीछे चाहें, पीछे चार्ट देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये देखें, ये अब 1700 में मार्केट इंटर हो चुकी, ये इसका घर है, ये वाला, ये घर नहीं है इसका, ये वाला और ये वाला, ये है, ये है, ये एरिया 1700 से लेके 1800 तक है, 1900 तक, तो यहाँ पे ये मूव करता रहता है, और इस कोशिश करेगा इसको फिर एक बार हाई लगाएगा ये। अच्छा, तो अब चलते हैं जी US 30 पे, देख लेते हैं जी US 30 आ जाए। US 30 ने सेल जाने के बाद भाई अपना लगा दिया टॉप, मैंने अभी कल की वीडियो देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसने अपना ये लगाना है, ये इसने अपने हाई लगाना है। अब वीडियो देखें कल की, मैंने क्या कहा था इसमें, ये वीकली चार्ट है, डेली पे देख लेते हैं इसका जनाबी अली, आप लोगों को डेली दिखा देता हूँ, ये रहो जी वीकली, मैंने कल जब सेल आई तो मैंने क्या कहा था, मार्केट जहाँ पे थी इस टाइम, वीडियो उठा के देखे, और मैंने कहा था इसने फिर अपना हाई लगाना है, और इस बार जब हाई लगाया, ये नहीं कहा था ब्रेक करना, लेकिन ये जरूर कहा था इसने अपना फिर हाई लगाना है, और लगाया हाई या नहीं लगाया भाई, मैं बताया था कि नहीं बताया था, चेक करें पिछली वीडियो, और आज मजीद ये फिर आप लोग आप भी जा सकते हैं, ये बात भी याद रखें, छोटा अकाउंट इस पर ट्रेड ना करें, मैं अवॉइड कराता हूँ। बाकी आ जाते हैं BTC USD भी मैं इसमें ना बाइंग पेंट था, SLBT हुआ हमारा, खैर ये तो होता रहता है, लेकिन ये कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग पकड़ने के लिए ट्रेड ली थी 0.01 के साथ, मैंने लॉन्ग टर्म के इसमें लॉन्ग टर्म एंट्री करें कोई ना कोई, तो बहुत एहतियात से मुताद से ट्रेड किया करें जी। BTC है ये बहुत डाउन आ चुका है, इसका मंथली चार्ट देखें आप लोग, ये इसका मंथली है, तो ये और भी क्रैश हो सकता है, तो अब ये सुकून में है बिल्कुल, यहाँ तक आ सकता है ये मज़ीद, फिर वो ना वो 10,000 तक 11,000 तक भी आ जाए, फिर ये जब दिल करे ऊपर ले जाएंगे इसको ऊपर, तो फिर लोगों को लगेगा 1,000 जाएगा, फिर सबको बाय करवाएंगे और फिर नीचे ले आएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं US ऑयल की, तो US ऑयल कल 84 पे था ना, ये मंथली चार्ट को भी डेली चार्ट ओपन करता हूँ मैं इसका, ये लो जी ये US ऑयल है, तो 84 पे मैंने लेकिन ऑर्डर दिया था 82 से, ठीक है, मार्केट ने कल यहाँ पे डिप लिया है, लेकिन जो मेरा लेवल था ना, मैंने आप लोगों की सेफ्टी के लिए, वैसे तो 84 बहुत अच्छा लेवल था बाइंग का, लेकिन मैंने आप लोगों की सेफ्टी के लिए 82 बताया था, ठीक है, 82.2 तक भी इस लेवल से हम करेंगे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा ही रह गया था ये लेवल, थोड़ा सा नीचे आता था, ये देखें ये फिर 91.92, अब ये फिर 91.92 87 पे पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट 2-4 दिन में और आपको फिर 91.92 पे लेता रहेगा। छोटा अकाउंट इस पर ट्रेड ना करें, जो बड़े हज़ारों वाले होते हैं ना, वो 0.01 से छोटे लोड से,
अच्छा जी, तो ये हमारे पेयर हैं, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को शेयर भी करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ख़ास तौर पे एक दूसरी बात, वीकली एनालिसिस भी देख लिया करें, वीकली एनालिसिस में मैंने क्या वीडियो बताए हुए थे टारगेट, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिट।